वहाँ हॉस्पिटल में जब मैंने आप सबको गले लगते देखा है ना, तो मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आप और विराट पति पत्नी नहीं है। आप चारों ना एक परिवार लग रहे थे, एक बहुत ही खुशहाल परिवार। हम एक परिवार ही हैं, बिखरा हुआ परिवार। सभी कितनी प्यारी लग रही है, एकदम छोटी सी। नहीं, ये सभी नहीं है, ये मेरा पहला बच्चा है। पहला बच्चा? हाँ, विनायक। हाँ पुलकित सर, मिसेस चौहान की तबीयत कैसी है? आप वो ठीक नहीं है सही, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। बाकी की हालत बिगड़ती जा रही है, तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचो इमीडिएटली। विराट सही, बच्चे कैसे? बच्चे अभी सो रहे हैं। वीनू काफी बेचैन हो रहा था अपनी मामा के लिए, जिद कर रहा था हमसे मिलने की। मैंने किसी तरह उसे शांत करा के सुला दिया है, लेकिन इस हादसे से उभरने में बच्चों को थोड़ा समय तो लगेगा। मिसेस चौहान कैसी है, ये सब कैसे हुआ? आगा सही, दरअसल टीवी पे वो न्यूज़ चल रही थी ना तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में, उसने देखा और वो एकदम डर गई। उसे रहा नहीं गया, वो भाग के तुम्हारे हॉस्पिटल में आई, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उसे कितनी मेहनत करी थी, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा और वहीं पे बेहोश हो गई। मैंने पत्र लिखा कि सोनोग्राफी करके देखा, बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अब जख्म कितना गहरा है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात तय है कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी इलाज दवा काम नहीं कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में एक ही ऑप्शन है, क्या मैं दोबारा पत्र लिखा का ऑपरेशन करना होगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तो उनकी सर्जरी की थी हमने, एक सर्जरी अभी किया कैसे? मैं जानता हूँ सही, लेकिन सर्जरी के बाद पत्र लेखा ने बिल्कुल आराम नहीं किया, वक्त पर अपनी दवाइयाँ नहीं ली, तो ये होना ही था। और अभी कुछ दिन पहले विराट और पत्र लेखा मुझसे मिलने आए थे। पत्र लेखा के पेट में दर्द हो रहा था, मैंने चेकअप किया और उसे वार्न किया कि अब से दवाइयाँ ठीक से लेना, अपना ख्याल रखना, स्ट्रेस मत लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने ये सब कुछ किया, इसलिए ये सब हुआ। सही, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि इससे पहले पत्र लेखा की सर्जरी तुमने की थी और उसके केस के बारे में तुमसे बेहतर और कोई डॉक्टर नहीं जानता, इसलिए मैं चाहता हूँ इस ऑपरेशन में तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो। क्या तुम तैयार हो? ऑफ कोर्स, मैं तैयार हूं। गुड। पुलकित सर, मैं जैसा सोच रही हूँ आप वो करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? हमें वही करना होगा सही, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर पत्र लेखा की जान बचानी है तो हमें वही करना होगा सही, लेकिन उससे पहले मुझे परिवार वालों से इजाजत लेनी होगी। सही, बाकी कैसे ठीक है ना वो? अभी विराट, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे केबिन में आओ। विराट, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पत्र लेखा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरी बात को सीरियस ले लिया। नहीं पुलकित, और तो और मैंने जो सोचा था, डैमेज उससे कहीं ज्यादा हुआ है। पत्र लेखा के गर्भाशय में इन्फेक्शन फैल चुका है। इन्फेक्शन फैल चुका है तो इलाज तो होगा ना? इलाज क्या है? अभी कुछ कह नहीं सकते, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है और उस इन्फेक्शन को देखते हुए बस एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, हमें ऑपरेशन करके पत्र लेखा का गर्भाशय हटाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुलकित? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो कि पत्र लेखा का गर्भाशय हटाना होगा? कभी नहीं, तुम उसकी कोख हमेशा के लिए सुनी कर देना चाहते हो। वो बेचारे तो
अभी तक माँ भी नहीं बनी है, गर्भाशय हटा देंगे तो कभी माँ नहीं बन पाएगी, हमारे चव्हाण खानदान को चिराग कैसे मिलेगा? आप बहुत आगे की सोच रही हैं, मैटर बहुत सीरियस है काकू, और इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वही इस वक्त की जरूरत है। अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो जिंदा नहीं बचेगी। अरे ऐसे कैसे जिंदा नहीं बचेगी? और सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि सई सर्जरी करने अंदर कैसे गई, जबकि पिछली बार मैंने इसे मना कर दिया था, विराट ने भी इसे मना कर दिया था, यहाँ तक कि पत्रलेखा को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर सई पत्रलेखा का ऑपरेशन करने अंदर क्यों गई? देखिएगा को, पिछली बार सई ने पत्रलेखा का ऑपरेशन किया था, इसीलिए केस की हर एक डिटेल, हर एक बारीकी सई को पता है, जिस ऑपरेशन में हमारे काम आएगी। ये केस मेरे अंडर है, मैं इस केस का इंचार्ज हूँ, मेरी टीम चुनने का मुझे पूरा हक है, और सई मेरी टीम में रहेगी, वो मुझे असिस्ट करेगी। सई एक काबिल डॉक्टर है। इसके अलावा तुम्हें कोई और काबिल डॉक्टर लगता ही नहीं है, सिर्फ एक यही काबिल बची है। और तुम क्या कह रहे थे कि ऑपरेशन के बाद हमने पत्रलेखा का ख्याल अच्छे से नहीं रखा? ये भी तो हो सकता है कि पिछली बार सर्जरी के वक्त इसी ने कोई गड़बड़ कर दी हो, वो भी जानबूझकर। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जानबूझ के मिसेज अवान को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? क्योंकि तू नहीं चाहती कि विराट और पत्रलेखा का कोई अपना बच्चा हो, वो हमारे खानदान के वंश को आगे बढ़ाए। वंश? ये सब आपके इस वंश के चक्कर में हुआ है। वो ठीक भी नहीं हो पाई थी और आपने अपने इस वंश के चक्कर में उन्हें हनीमून पे भेज दिया। वहां पर ना उन्हें आराम मिला, ना उनका ख्याल रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें वहां से इमरजेंसी में वापस लाना पड़ा। और अब जब मिसेज सवान जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है, तो आपको उनकी चिंता नहीं, आपको अपने वंश की चिंता है। मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर होगा अगर आप अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में जाके देखिए, तब आपको वो शख्स नजर आएगा जिसने मिसेज सवान का ये हाल किया है। आपकी वजह से उनकी ये हालत है। तू अपने पाप मुझ पर बढ़ना चाहती है? बस बहुत हो गया। अरे वहां मेरी बीवी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, पर यहाँ आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। पुलकित, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए प्लीज। पाखी का पति होने के नाते मैं आपको उसकी कोख निकालने की इजाजत देता हूँ। ठीक है विराट।